खबर आ रही है, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी मिली है। स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी भरा लेटर पप्पू यादव को भेजा गया है। पप्पू यादव के घर को उड़ाने की धमकी दी गई है। सुपौल के कुंदन कुमार ने धमकी भरी चिट्ठी भेजी है, तो नाम भी स्पष्ट हो गया है चिट्ठी भेजने वाले का। सुपौल का कुंदन कुमार है जिसने ये चिट्ठी भेजी है पप्पू यादव को। धमकी भरी चिट्ठी है और उनके घर को उड़ाने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव के घर को उड़ाने की धमकी इस चिट्ठी के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए ये चिट्ठी पहुंची है, ये लेटर भेजा गया है पप्पू यादव को। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव जिन्हें यह धमकी दी गई है। और इस वक्त जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। स्वप्निल बताएं जरा, क्योंकि पप्पू यादव को इससे पहले भी धमकी मिली थी जिसमें एक शख्स पकड़ा गया था, जब जान से मारने की धमकी दी गई थी और अब घर को उड़ाने की धमकी। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है ना कि पप्पू यादव को मेरी जानकारी में ये तकरीबन 15वीं 16वीं धमकी है। अलग अलग फॉर्म में पप्पू यादव को धमकियां आ रही हैं। पहले पप्पू यादव के लिटरली फोन पर धमकियां आ रही थी, कुछ नेपाल का नंबर ट्रेस हो रहा था, कुछ उसके बाहर का नंबर हो रहा था, और आज जो है बकायदा लेटर रिसीव कराया गया है स्पीड पोस्ट से। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लेटर के अंदर पूरा नाम पता जो है वो दिया गया। हालांकि कई जो एथिक्स है उसके कारण हम वो तमाम चीजें नहीं दिखा सकते, वो पुलिस के जांच के डोमेन में आती है। लेकिन इस बार तमाम चीजों को ये लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर अंजाम भुगतना होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी की ये शरारत है या वाकई जेन्युइन चिट्ठी है तो आखिर इसकी जांच क्या हो रही है? प्रशासन को आके ये बताना चाहिए कि कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसी चिट्ठी मिल रही है, 15-16 बार धमकी मिल रही है, धमकी सही है या गलत है ये जांच एजेंसी तय करे, जांच एजेंसी का डोमेन है। लेकिन ये पुलिस को बताना तो चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है इस मामले में। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से काम करेंगे, क्या उनकी सुरक्षा पूरी है? ये तमाम चीजों की एक जानकारी बनती है पुलिस मुख्यालय के स्तर से कि पुलिस मुख्यालय ब्रीफ करे कि आखिर इसमें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हर 2 दिन पर एक खबर आती है कि पप्पू यादव को फोन पर धमकी आ गई, आज लेटर आ गया, कल ईमेल आ गया। तो ऐसे अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ हरकत होता है तो ये बहुत एक तरह से पुलिस मुख्यालय को जवाब देना पड़ेगा। इसमें खतरा भी है कि आप जैसे पुलिस एक शख्स को पकड़ती है, लेकिन पप्पू यादव ने तब भी ये कहा था जी बिहार झारखंड से बातचीत में कि हमने कम से कम 10 नंबर मुहैया कराए पुलिस को, कि भाई अलग अलग नंबर से, यहां तक कि मलेशिया से भी फोन आ रहा है। तो जब अलग अलग जगह से आ रहा है और पुलिस एक शख्स को पकड़ती है, उसके बाद भी धमकी जारी है, अब एक नया लेटर आ गया और इस लेटर में भी घर को उड़ाने की धमकी, तो ऐसा भी होता है कि कई बार पुलिस इसको ढिलाई में ले रही है लेकिन कभी कोई अनहोनी हो सकती है। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि ये हॉक्सी है तो ऐसी स्थिति में पुलिस को जांच करके ये भी आइडेंटिफाई करके एक बार पब्लिक डोमेन में रख देना चाहिए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पप्पू यादव, लगातार 5-6 बार के सांसद हैं पप्पू, या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई भारत का आम टैक्स पेयर, आम नागरिक हो, अगर उसको भी ऐसी धमकियां लगातार आ रही होती हैं तो पुलिस मुख्यालय को, पुलिस प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेके कुछ तो कुछ कंक्रीट एक्शन लेके पब्लिक डोमेन में मैसेज देना चाहिए ताकि एक इकबाल बना रहे शासन प्रशासन का लोगों के अंदर। जी बिल्कुल। अच्छा एक सवाल ये भी है कि जो पिछले दिनों एक शख्स पकड़ा गया था, क्या उसके बाद से पुलिस महकमे ने या फिर जो भी जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले के अधिकारी या फिर विभाग, क्या उसने कभी उसका फॉलो अप किया कि हाँ वो क्या हो रहा है? उसके बाद एक शख्स को पकड़ने के बाद भी जांच आगे बढ़ी कि नहीं, क्या कभी उन्होंने बताया इस बारे में कुछ? देखिए इस बारे में फिलहाल कोई कॉन्क्रीट जानकारी अभी तक मेरे नॉलेज में, जो हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, नहीं दी गई है। एक व्यक्ति को जरूर पकड़ा गया था, उसको लाया गया, बताया गया ये धमकी में शामिल थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद अगर वही व्यक्ति था तो धमकियों का सिलसिला फिर रुक जाना चाहिए था, फिर अलग अलग मलेशिया से, नेपाल के नंबर से। और उसमें एक बहुत बड़ा पेच है क्योंकि कहा यह गया कि यह शख्स पकड़ा गया है और इसकी बहन का एक नंबर था दुबई का, उसी नंबर से कॉल कर रहा था। फिर मलेशिया से कहां से कॉल आ रही थी, नेपाल से कहां से कॉल आ रही थी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक केवल ऐसे एक्शन करके अपने आप को पुलिस मुख्यालय और पुलिस प्रशासन अलग नहीं कर सकता है। अब इसमें जरूरत है कि एक कॉन्क्रीट जो जांच है उसकी जो पैरामीटर थे जिसको पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है दायरे के अंदर, उसको रखे पुलिस ताकि उसका इकबाल बना रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पप्पू यादव और ये 15-16वीं धमकी है मेरी जानकारी में, 16वीं धमकी है जब उनको फोन पर, और अब तो बाकायदा चिट्ठी लिख के दी जा रही है। और अगर चिट्ठी में इसमें एक जरूर इशू है अभिषेक जी, वो ये है कि इसमें बकायदा नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर सब दिया गया है। तो ये हो सकता है कि कोई शरारती तत्व का भी काम हो, लेकिन ये पुलिस का जांच करना काम है। लेकिन पुलिस जो भी करे, करके एक बार पब्लिक डोमेन में लाए तो सही कि आखिर हो क्या रहा है इस मामले में। और इस तरह की खबरों को हम लोग जो लगातार दिखाते रहे या कवर करते रहे हैं, पप्पू यादव के अलावा भी अगर इस तरह का मामला हो तो ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि ये नाम, ये पता सब फर्जी ही होगा,
क्योंकि कोई शख्स सीधे धमकी किसी सांसद को दे दे घर को उड़ाने की और अपना एकदम बिल्कुल पुख्ता जो है जानकारी अपने बारे में दे, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, देखिए नाम पता लीक करके, कोई मोबाइल नंबर लीक करके ऐसे कोई देता नहीं धमकी। ये जो लगातार हम आप भी मीडिया में बहुत लंबे समय से बने हुए हैं, एक एक चीज समझते हैं, हम लोग भी कवर करते हैं, एक एक चीज देखते हैं, ऐसा अमूमन होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस को तत्काल एक जांच टीम भेज के जांच करके एक प्रेस ब्रीफिंग कर देनी चाहिए कि ये ऐसे ऐसे ये तमाम चीजें निकली है, हॉक्स है या जेन्युइन है क्या है, एक इन्फॉर्मेशन जरूर दे देना चाहिए। देखिए कई बार शासन इकबाल से ही चलता है और इकबाल अगर खत्म होने लगेगा तो लोगों का विश्वास हिलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा तो आप पब्लिक डोमेन में आके बताना चाहिए कि ये तमाम चीजें पर चल क्या रहा है। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल और है, वो सवाल ये बनता है पप्पू यादव की सिक्योरिटी का, उनकी सुरक्षा का, और वो सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि उनके विरोधी या उनके समर्थक जो सियासी लोग हों वो कुछ भी सोचें, लेकिन पप्पू यादव उन लोगों में से, उन सियासी लोगों में से हैं जो जनता के बीच में बेधड़क पहुंच जाते हैं, भीड़ के बीच चले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी चुनौती है, पप्पू यादव लगातार कहते रहे कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, पप्पू यादव हम ही लोग के इंटरव्यू में तमाम चैट्स में ये बताते भी रहे हैं और बताते भी हैं कि उनकी सुरक्षा को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। वो बकायदा एक चिट्ठी भी केंद्रीय गृह मंत्री को लिख चुके हैं, राज्य के जो तमाम आला पदाधिकारी हैं जिन पर स्पेशल ब्रांच, स्टेट सिक्योरिटी, डीजी और तमाम लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन भी वो दे चुके हैं, ऐसा वो कहते हैं कि पत्र भी मैं दे चुका हूँ। अभी तक पप्पू यादव का ये कहना है कि उनकी जो सुरक्षा है उससे वो प्रॉपर संतुष्ट नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि जो पुलिस प्रशासन है वो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम कर रखा है, उन लोगों ने क्या स्ट्रेंथन किया है या क्या क्या चीजें की जा रही हैं। तो इसीलिए मैं बार बार अभिषेक जी ये बात कह रहा हूँ कि एक बार पुलिस मुख्यालय स्तर से इस मामले पर प्रेस ब्रीफिंग करके एक जानकारी देना बनता है कि आखिर ये 15-16 धमकी के बाद सुरक्षा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आखिर ये है इसके पीछे कौन, अगर गिरफ्तारी हो गई तो फिर फोन कैसे आ रहे हैं, कौन सच बोल रहा है, कहाँ से फोन आ रहे, एक ब्रीफिंग करके एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए पुलिस मुख्यालय को कि आखिर इस पर चल क्या रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़े, जो बता रहे हैं कि पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है और ये 16वीं धमकी है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम बार सरकार से बात कह चुके हैं, चिट्ठी लिख चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय को, लेकिन अब तक उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने का कोई उपाय, कोई आदेश ऐसा नहीं आया है और इसीलिए उनके लिए खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।